बख्तावर आ गई है। मौलवी ने छुट्टी कर दी मस्जिद की, तो बख्तावर जा रही थी। घर बख्तावर इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये रही बख्तावर। बख्तावर मौलवी को सबक सुनाया आज तूने? सुनाया नहीं सुनाया? हाँ मौलवी को सबक नहीं सुनाया। पहले ही छुट्टी हो गई है ना, जुम्मे का दिन है। जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने? जुम्मे की नमाज पढ़ी थी? हाँ माशाल्लाह, जुमे की नमाज बख्तावर ने पढ़ी थी माशाल्लाह। और अभी असर की नमाज भी पढ़ोगी, और ईशा की, मगरिब की, फजर की, माशाल्लाह भाई पांच टाइम की नमाज पढ़ती है ये। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, और छोटी बच्ची है अभी तक तो। और ऊपर से रमज़ान आने वाला है इंशाल्लाह, तो रमज़ान की तैयारी भी, तैयारियाँ हो रही हैं, और इंशाल्लाह रोज़े भी रखेंगे। अगर अल्लाह पाक ने हयाती दी तो, ज़िंदगी दी तो, इंशाल्लाह रमज़ान के रोज़े रखेंगे। और बहुत ही अच्छा महीना है, बरकतों वाला महीना है, तो आपको रमज़ान के वीडियो भी दिखाएंगे हम, और बख्तावर को भी दिखाएंगे कि बख्तावर इस रमज़ान में रोज़े रखती है कि नहीं। इस पर फ़र्ज तो नहीं है, छोटी बच्ची है, लेकिन बच्चे रखते हैं ना शौक़ में, तो देखते हैं बख्तावर रमज़ान के रोज़े रखती है। बख्तावर रमज़ान के रोज़े रखोगी? कितने रखोगी? चार? हाँ चार, चार भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। चार इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा चार रखेगी। जब बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह तो सारे रखेगी। चार रोज़े भी ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं। अब बख्तावर, और इतिकाफ में बैठोगी? इतिकाफ में नहीं बैठेगी, चलो रोज़े रखेगी, यही बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बख्तावर जा रही है घर अभी, तो मौलवी से सबक भी ले लिया उसने, और जुमे की नमाज़ भी पढ़ ली। तो अभी असर की नमाज़ का टाइम होने वाला है, तो असर की नमाज़ भी घर पर जाके पढ़ेगी। और यही शौक बच्ची में अल्लाह पाक सदा रखे, क्योंकि अभी रमज़ान भी आएगा। तो वो बोल रही थी कि मैं रमज़ान के रोज़े भी रखूँगी, तो अच्छी बात है कि छोटे बच्चे भी रोज़े रखते हैं। और ये बोल रही थी चार रोज़े रखूँगी, तो चार रोज़े भी बहुत हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि इन पे फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन रोज़े रखेंगे, ये आदत बनी रहेगी, तो जैसे बड़े होंगे तो इंशाल्लाह रखते आएंगे रोज़े। क्योंकि रमज़ान का महीना 11 महीनों में के बाद ही एक आता है, और वो किसी किसी को नसीब होता है। तो इंशाल्लाह आप भी रोज़े रखिएगा, और हम भी रखेंगे, और आप हमारे लिए दुआएँ करिएगा, और हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह।